गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी। मैं हूँ शालिनी। आज अभी फिलहाल मैं बैठी हूँ यहाँ BHU के प्लेग्राउंड में। आज का ये वीडियो प्री प्लान तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे, उसमें अचानक से मेरे दिमाग में हुआ कि यार मेरे बैग बहुत भारी हो गया है, आज कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अपने सामने वाले को, जो कि बिहाइंड द कैमरा है, मैं उनको बता रही थी कि यार बहुत सारी चीज़ें आज ले आई हूँ, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला एक काम कर सकते हैं, व्हाट्स इन माय बैग की वीडियो बना सकते हैं। इसके पहले आपने बड़े बड़े सेलेब्स वगैरह के, सेलिब्रिटीज़ के देखे होंगे, व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय फ़ोन, ऐसी वाली चीज़ें। तो हम ऐसे ही मजाक में कैजुअल सा वीडियो, बिकॉज मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है मुझे एज अ पर्सन जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, क्या चीज़ें मेरी हैबिट में हैं, किस चीज़ की हैबिचुअल हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे। इस बैग मैं पूरा पैक करके आती हूँ जब मॉर्निंग में घर से निकलती हूँ, क्योंकि पूरा दिन यहाँ BHU, कॉलेज, फिर कोचिंग, ये वाला रूटीन रहता है मेरा। तो बारी बारी से मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या क्या कैरी करती हूँ, क्या मस्ट हैव प्रोडक्ट मेरे हैं, सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करें, विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा बैग वैसे भारी तो ये डेली रोज ही रहता है, क्योंकि शेड्यूल जो रहता है 9 से 4, फिर 5 से 6 कोचिंग, 6 से 7 कोचिंग, फिर घर। तो जो भी नेसेसरी और इसेंशियल चीज़ें सारी इसी बैग में होती हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही भारी, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद बॉटल मेरा 1.5 किलो का, तो बॉटल वाटर बॉटल ही होगा। तो शुरू से इस चेन से, जो स्टार्टिंग में चेन है, 1, 2, 3, 4 चेन है मेरे ये स्काई बैग के बैग में। तो इस चेन में की बात करेंगे तो इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जिसकी मुझे कॉलेज आते ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चश्मा, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। इसके बिना मतलब मैं क्लास अटेंड कर ही नहीं सकती। पर लगाती नहीं हूँ। लगाती हूँ क्लास के टाइम में सर, क्योंकि प्रोजेक्टर में देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरा ये पेंसिल बॉक्स, ठीक है, बट इसको मैं डेली नहीं खोलती हूँ। जो पेन जनरली यूज़ में आता है, ब्लू एक पेन, इसको बाहर रखती हूँ ताकि बस ऐसे निकाला और क्लास लिखने लग जाए। ये दो चीज़ें। फिर तीसरा जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ये अभी मॉनसून चल रहा है, बारिश कब होगी कब नहीं होगी नहीं पता, और मेरा फ़ोन एक बार बिगड़ चुका है। तो इससे आपका फ़ोन बच जाएगा? इसी की वजह से तो नुकसान हुआ था वाटर पार्क में, लेकिन क्यों नुकसान हुआ था वो भी मुझे पता है, मेरी वजह से। इसको खोलना नहीं होता और मैं उसको 2-3 बार खोल दी थी। तो अब अगर बारिश होगी तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को सिक्योर करूँगी, फिर बैग के अंदर डालूँगी। तो ये अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से कैरी कर रही हूँ इसको। फिर उसके बाद ईयरफोन, जिसकी की ज़रूरत पड़ ही जाती है, अधिकतर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ या फिर कोई वीडियो देखती हूँ, काम की चीज़ें, तो ईयरफोन भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है। वैसे सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी ही है, बकवास वाली कोई भी चीज़ें नहीं है ईयरफोन। फिर उसके बाद चार्जर, क्योंकि मेरा फ़ोन ना, जब मैं घर से निकलती हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम कभी भी चार्ज तो 100% और 80 और 100 में कभी फ्लक्चुएट नहीं करता, हमेशा बिलो 50 रहता है। तो कब क्या कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कब फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना पड़े, कब क्या, तो फ़ोन चार्जर हमेशा पास में होता है। फिर उसके बाद ऊपर वाली चेन में रहता है लिप बाम, अभी शायद ज़रूरत है लिप बाम, ठीक है, ये लिप बाम। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये बैग कम वैनिटी ज़्यादा है, अभी नेक्स्ट वाले चेन में असली मटेरियल्स है, गर्लिश मटेरियल। तो ये परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम है, जिसकी स्मेल, परफ्यूम और भी परफ्यूम होंगे मेरे बैग में शायद, मूड के हिसाब से परफ्यूम। मूड के हिसाब से अरे मतलब कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज में तो बहुत माइल्ड सा, फिर कहीं अचानक से कहीं प्लान हो गया तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अच्छा। और फिर ऐसा नॉर्मल। फिर नेक्स्ट चेन में पूरा वैनिटी ही ऐसा समझ लीजिए, इसमें कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं। पहले तो ये काम का है गैजेट, फ़ोन दिखाइएगा अपना, फ़ोन रख के दिखाते हैं, कभी कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कॉपी किताब है कि नहीं, या फिर क्लास चल रहा है, कॉपी किताब भी है यार, क्लास चल रहा है तो ये फ़ोन इसमें ऐसे लगा के देख सकते हैं। ये स्टैंड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम का है। कार वगैरह में भी जब ऐसे ट्रैवल करो, वीडियो बनानी होती है, तो फ़ोन ऐसे गिर जाता है, तो उसके लिए ये हमेशा मेरे बैग में होता ही होता है। ये आफ्टर दैट इसमें सारे कॉस्मेटिक ही हैं, दो परफ्यूम, जैसे बोला परफ्यूम वगैरह मेरे बैग में हमेशा रहता है। तो ये एक निविया का और ये एक बॉडी क्यूपिड का मिस्ट है, इसको मैं थोड़ा अभी समर्स में, मतलब अभी मॉनसून में बंद कर दिया मैंने इसको लगाना, अभी फ़िलहाल निविया ही चल रहा है मेरा। तो ये सब चीज़ें बैग में इसलिए रखती हूँ क्योंकि घर पे भाई ख़त्म कर देता है, ठीक है, हमारी बहुत फाइट होती है इन सब चीज़ों के लिए, परफ्यूम वगैरह के लिए, सीरम के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो मैं अपना बैग में रखती हूँ, वो अपने बैग में रखता है अपना।
फिर उसके बाद एक दो लिपस्टिक मेरे बैग में हमेशा रहती है, ये सब तो मतलब हमेशा मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरी गो टू लिपस्टिक है, न्यूड शेड में है। कभी कॉलेज आई, यहीं से डायरेक्ट वीडियो बनाना हो गया तो बैग में रहता ही है। वैसे लगा तो पाती नहीं हूँ वीडियो के टाइम में, जैसे आज भी नहीं लगाया। लिप बाम पे ये लिप बाम ही पूरा काम करता है, लिपस्टिक लगाने का मौका या फिर ऐसा कोई। ये भी एक लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा है, कलर बार का मुझे पीआर में रिसीव हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मेरे सेकेंड बैग में रहती हैं। मास्क गलती से शायद ये क्योंकि मेरी आदत मास्क लगाने की बिल्कुल भी नहीं है, मैं भूल ही जाती हूँ। आई नो लगाना चाहिए हमेशा, लेकिन बैग में क्या रहता है क्योंकि अभी भी कुछ कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड जगह है जहाँ पे आपको बिना मास्क के परमिशन नहीं मिलेगी, तो बैग में रहता ही है। सब ये बॉटल वाला सेक्शन में हमेशा आप मेरे बैग में एक क्लचर और एक रबर पाइएगा हमेशा। क्लचर तो हमेशा ही रहता है, रबर तो शायद कल ही मैंने रखा है। फिर नेक्स्ट चेन में क्या है, कॉपी किताब सही में नहीं क्या उसके बाद स्टॉल है मेरा, ठीक है, स्टॉल हमेशा बांध के आना जाना ऐसा स्टॉल है। वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से आज मेरा बैग भारी भी है क्योंकि सुबह से मैं आस्था के बॉटल से पानी पी रही थी। फिर उसके बाद ट्राईपॉड, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि एक स्टूडेंट जब कंटेंट क्रिएटर होता है तो अपने चीज़ों बैग में क्या कैरी करता है, वो बेसिकली ये वीडियो उसी के बारे में है शायद। तो ट्राईपॉड, ठीक है, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कब कंटेंट हम क्रिएटर्स को मिल जाए कुछ पता नहीं है, तो बैग में तो हमेशा ही रहता है। फिर उसके बाद दो बैग मेरे बैग रहते हैं, ये बैग वेट करिए कितने किलो का होगा बताइए कितने किलो का होगा, दो ढाई किलो का होगा दीजिए। ये बैग वेस्ट बैग हमेशा मेरे बैग में होता है क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि यार हम कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे इस बैग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे रख के इसमें ज़रूरी फ़ोन और पैसे रख के निकल लेते हैं। ऐसा कूल भी लगता है और बस काफ़ी कन्वीनियंट है, तो इसको मैं प्रेफर बहुत ज़्यादा करती हूँ। और जो मेरे थोड़े बहुत पैसे हैं वो इसी में है, इसी में रहते हैं। और ये वाला जो बैग है ना, इसकी कहानी बहुत लंबी है। ये बैग हमेशा से मेरे बैग में रहता है और शायद यही बैग मेरे बैग को बहुत वेट मतलब हैवी बना देता है क्योंकि इसमें सारे चिल्लर आप दिखाइएगा एक बार इसमें बहुत ज़्यादा, लगभग ये एक दिन हम और सौरभ काउंट कर रहे थे, 650 चिल्लर है इसके अंदर, मतलब 650 पैसे हैं, 5, 10 और 2 के सारे सिक्के हैं। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जनरली मेरे पास पता नहीं कैसे क्या चीज़ है, मेरे पास चिल्लर बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे पास नोट रहता है ना, नोट तुरंत ऐसे उड़ जाता है मेरे से, लेकिन चिल्लर मेरे पास इकट्ठा होता था। मम्मी कई दिन से मुझे डांट रही है कि चिल्लर मत रखो बैग में, लक्ष्मी नहीं आती है या फिर पैसे नहीं टिकते, ऐसा कुछ हमें दे दो, हम तो कह रहे हैं। इंडियन मॉम्स की मैथोलॉजी अलग ही रहती है, लेकिन हमें बहुत पसंद भी है ये सब भारी भारी सा। मतलब कभी मैं ऐसे मतलब इसमें जो पैसे हैं लाइक 100, 50 ऐसा भूल गई कभी, तो मेरा एक दो दिन का काम, जैसे कभी चाय पिया, कभी चेंज की ज़रूरत हुई, कभी स्कूटी में हवा भराया, कभी बॉटल ख़रीदना पड़ गया पानी का, तो अगर मैं मेरे पास बड़े नोट नहीं है तो मेरा एक दो हफ्ते का काम इस पैसे से भी चल सकता है। और कभी स्टैंड में गई, स्कूटी कहीं स्टैंड करना है, तो ये हमेशा मेरे बैग में रहता है क्योंकि मैं बहुत ही चिल्लर इंसान हूँ। फिर उसके बाद थर्ड चेन में है काम की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें फाइनली। तो बैग कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें कॉपी किताब लेके नहीं आना पड़ता है, मैं तो लाइक आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक रफ कॉपी लेके आती हूँ। जो भी क्लासेस होते हैं सारी इसी कॉपी में लिखती हूँ, फिर घर जाके जो भी फेयर वगैरह करना रहता है वो। उसके बाद ये एक जेरोक्स कॉपी लेके आती हूँ क्योंकि क्लास चली नहीं चली, फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी जाते हो बैठते हो, तो लाइब्रेरी में बुक ले जाना अलाउ नहीं है, आप जेरोक्स कॉपी ले जा सकते हो। तो लाइब्रेरी भी जाती हो तुम? क्या लाइब्रेरी भी जाती हो तुम? और नहीं तो क्या। तो ये है, आप जेरोक्स लेके जा सकते हैं अंदर, आपका बैग बाहर ही होता है लाइब्रेरी में, बैग और फ़ोन आप अंदर लेके जाओ, जेरोक्स कॉपी ले जा सकते हो आप, और अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप अंदर से इशू करा के वहीं पे पढ़ो, ऐसा वाला सिस्टम है। तो ये दो चीज़ें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं रख लेती हूँ कि कभी क्लास नहीं चली या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको कंज्यूम करने के लिए, और एक तो ये रफ कॉपी हमेशा ही रहती है। फिर उसके बाद ये फाइल, इसमें यार पूरा डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं लेकिन हमारा जैसे कि ये BHU हेल्थ कार्ड है, ये हमारा BHU हेल्थ कार्ड है, हमारा जो हम लोग को क्या बोलते हैं इसको, जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड है, वही BHU और BHU हेल्थ कार्ड है, वो एक एम्प्लॉय का भी होता है, एक स्टूडेंट का होता है। हाँ ठीक है, BHU हेल्थ कार्ड है। फिर उसके बाद ये पॉम्पलेट है, जिस कोचिंग में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ का है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट, मतलब कॉलेज के ही हमारे शीट्स मिलते हैं हमें प्रैक्टिकल्स वगैरह के, तो वो सारी चीज़ें हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे ही, तो इसको फाइल में सिक्योर में रखती हूँ ताकि वो ख़राब वराब ना हो। उसके बाद
लास्ट बचा ये लाइब्रेरी कार्ड का फॉर्म है जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद ये वॉलेट है, ये वॉलेट गिफ्ट मिला था ना मुझे, नहीं वो ब्लू वाला था, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि हमारा ये BHU का पासबुक, एक ग्रेजुएशन टाइम का है और अभी ये नया वाला PG का है। उसके बाद ये एक Jio के कवर में मैं अपने सारे जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट मेरे ATMs के कार्ड, पैन कार्ड, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं इस Jio का फ़ोन का कवर आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, एक एक जगह पे इकट्ठा रहता है। तो इस बैग में ये सारी चीज़ें रहती हैं, बस बस इतना ही है, बस दिस इज ऑल। ये सारी चीज़ें हैं हमारी बहुत ज़रूरी, और डेली मैं पैक करती हूँ सब चीज़ों को, और सारी मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं कह सकती कि हाँ इसके बिना मेरा चल सकता है। हाँ आप ये लिपस्टिक वगैरह हटा सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बैग में रहती ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। परफ्यूम को मैं रिप्लेस बिल्कुल नहीं करूँगी, परफ्यूम बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पूरा यार बता भी नहीं रहा, पूरा चश्मा लगा के बना दिया मैंने वीडियो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई गेस आई होप आप पसंद करेंगे वीडियो, इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ, थोड़ी ऑर्गेनाइज हूँ और कुछ चीज़ों में क्लमजी भी हूँ। या दैट्स ऑल, ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।